My lips said hello. My heart said hello, my feet. दोस्तों आजकल इंस्टाग्राम पर ये जो रील है ट्रेंड कर रहा है, अगर आपको भी इस ट्रेंडिंग रील को बनाना है अपनी फ़ोटोज से, तो कैसे इस रील को बनाया जाता है आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिए ताकि आप अच्छे से वीडियो को एडिट कर पाएँ, अच्छा रिजल्ट आपको मिले। तो चलिए दोस्तों विदाउट वेस्टिंग योर टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आप इसी तरह की ट्रेंडिंग रील्स चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस वीडियो को आप किस तरह से एडिट करेंगे। इस वीडियो को बनाने के लिए हमें VN ऐप की ज़रूरत है। VN ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, आप वहां से इंस्टॉल कर लीजिएगा सबसे पहले। एंड जब आप ओपन करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस मिलता है। एंड इस वीडियो को बनाने के लिए आपको ज़रूरत है एक टेक्स्ट टेम्पलेट की, का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं वहां से। एंड अगर आप खुद का टेक्स्ट टेम्पलेट बनाना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बता दूंगी कि आपको अपना टेम्पलेट कैसे बनाना है, ओके। एंड आपको अपनी 4 फोटोज़ की ज़रूरत है। देन आपको अपना टेक्स्ट टेम्पलेट एंड 4 फोटोज़ लेने के लिए यहाँ पर प्लस आइकन पर क्लिक करना है एंड न्यू प्रोजेक्ट पर जाके अपनी फ़ोन लाइब्रेरी से इम्पोर्ट कर लें, ओके। तो देख सकते हैं दोस्तों स्क्रीन पर इस तरह से आपको ये टैम्पलेट लेना है जो आपने इंस्टाग्राम पर भी देखा होगा। देन आपको इस तरह से 4 फोटोज़ लेने हैं अपने, कैसे भी आप ले सकते हैं, ओके। यहाँ पर आपको एक डिफ़ॉल्ट क्लिप मिलता है, इसको आपको सेलेक्ट करके डिलीट करना है। एंड अब हम करते हैं फ़ोटोज़ की रेशियो सेलेक्ट कर लेते हैं। फ़ोटो की रेशियो चेंज करने के लिए आपको यहाँ ड्रॉप डाउन पर क्लिक करना है एंड रेशियो रखेंगे 9:16 के, ओके। अब हम यहाँ पर म्यूज़िक ऐड करेंगे, म्यूज़िक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन से मिलेगा। टेलीग्राम पर जाकर आपको म्यूज़िक वीडियो डाउनलोड करना है। देन वीडियो से हम यहाँ पर ऑडियो एक्सट्रैक्ट करेंगे। ऑडियो एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको यहाँ प्लस आइकन पर क्लिक करना है एंड म्यूज़िक पर क्लिक करना है। देन आप प्लस पर क्लिक करके एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो करेंगे, ओके। एंड यहाँ से वो वीडियो ले लेंगे जो आपने टेलीग्राम से डाउनलोड किया होगा। देन यहाँ से आप ओके करेंगे एंड चूज के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से डन कर लेंगे। इस प्रोसेस को करने के बाद आपका जो म्यूज़िक वीडियो है वो ऑडियो में कन्वर्ट हो जाता है एंड हमारा म्यूज़िक फ़ोटोज़ के साथ सिंक हो जाता है। लेकिन परफेक्टली मैच करने के लिए हमें क्या करना होता है, अपने फ़ोटोज़ को ट्रिम करना होता है। सो वीडियो को प्ले करते हुए मैं फ़ोटोज़ को ट्रिम कर लेती हूँ, देन आपको परफेक्ट ड्यूरेशंस बताऊँगी कि आप क्या क्या रखेंगे। सो चलिए दोस्तों मैं ट्रिमिंग कर चुकी हूँ फ़ोटोज़ की। आपका जो टेक्स्ट टेम्पलेट आएगा इसकी ड्यूरेशन सेम होगी जो कि मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, 5 सेकंड की ड्यूरेशन। तो इसको आपको कुछ भी ट्रिम करने की ज़रूरत नहीं है। एंड आपके जो 4 फोटोज़ आएंगे उनकी ड्यूरेशन आप रख सकते हैं, सबकी सेम रख सकते हैं 0.70 सेकेंड, ओके। नोट कर लें 0.70 सेकेंड आपको ड्यूरेशन रखनी है, आपका वीडियो एकदम परफेक्ट बनता है, ओके। और हाँ दोस्तों मैं आपको ये बात बताना भूल गई थी कि आपको अपना टेक्स्ट टेम्पलेट कैसे बनाना है, तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपको खुद का टेम्पलेट बनाना हो तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर प्लस आइकन पे क्लिक करना होता है, यानी यहाँ मटेरियल पे आपको क्लिक करना है। आप बैकग्राउंड चूज़ कर सकते हैं, वाइट या ब्लैक कोई सा भी। अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपको सॉलिड कलर बैकग्राउंड चाहिए, आप चाहें तो अपना कोई फ़ोटो ले सकते हैं एंड उसके ऊपर आप टेक्स्ट टाइप कर सकते हो, ओके। जैसे कि ये फ़ोटो है, जैसे कि ये आप देख सकते हैं ये एक फ़ोटो लिया हुआ है एंड इसके ऊपर टेक्स्ट टाइप किया हुआ है, तो ये आप भी कर सकते हैं, बट मैंने एग्जांपल के लिए सॉलिड कलर लिया हुआ है, ओके। तो इस तरह से कलर आपने ले लिया है बैकग्राउंड, आप क्या करेंगे, यहाँ टैब टू ऐड सबटाइटल के ऊपर क्लिक करेंगे कहाँ, एंड यहाँ टेक्स्ट का ऑप्शन आपको मिलेगा, टेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर आप टाइटल इनपुट करेंगे, ओके। तो यहाँ पर आप वो टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं जो कि आपने वीडियो में देखा होगा, ओके। यहाँ से आपको फॉन्ट्स का ऑप्शन मिल जाता है, फॉन्ट से आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। कलर ग्रेडिंग का ऑप्शन मिल जाता है, कलर्स आप चेंज कर सकते हैं अपने फॉन्ट के। यहाँ से आपको स्ट्रोक, शैडो, बैकग्राउंड, ऑपेसिटी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो इस तरह से अगर आपको टेम्पलेट बनाना हो, फिलहाल मैं इसको डिलीट कर लेती हूँ, तो आप अपना खुद का टेम्पलेट बना सकते हैं। और अगर आपको ईजी वे में बनाना है तो आप टेम्पलेट डाउनलोड कर लीजिएगा।
ओके। सो चलिए दोस्तों, अब हम अपनी वीडियो को सेव कर लेते हैं फाइनली। ओके, सेव करने के लिए आपको यहाँ एक्सपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, देन यहाँ से डन कर लेना है, वीडियो आपका एक्सपोर्ट हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ से आपको सेव टू एल्बम के ऊपर क्लिक करना है एंड आपका वीडियो सेव हो गया। सो कैसा लगा दोस्तों आपको ये वीडियो? अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें एंड अगर आप चाहते हैं इसी तरह की ट्रेंडिंग रील्स से रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।